गाइस, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि मैं आज आपको कंप्लीट सेटअप बताने वाला हूँ एक कैंपिंग का, जिसमें मैंने कैंप का तो सेटअप फर्स्ट पार्ट में कर दिया है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने उसको सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करा है। तो इस पार्ट में मैं कैचुआ के ही ये एक स्लीपिंग बैग है, डीकैथलॉन से खरीदा है, आप डिटेल्स देख सकते हैं। डीकैथलॉन कैचुआ 10 डिग्री का है, ये 5 डिग्री तक संभाल सकता है, बट आपको एक चीज बता दूं कि आप 10 डिग्री मान के चलिए। और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 6.5 इंच तक के बंदे की हो सकती है, 5 साल की गारंटी है। इसकी जो लेंथ है वो है 190 सेंटीमीटर और विथ जो है वो 72 सेंटीमीटर। एक चीज और बता दूं मैं गाइस, ये मुझे पड़ा अराउंड 1500 रुपीज का। आप सदर बाजार या ऐसी ही किसी मार्केट में जाओगे तो आपको ऐसा ही स्लीपिंग बैग 10 डिग्री वाला या 5 डिग्री वाला अराउंड 600-700 रुपए में मिल जाएगा। सीरियसली 600-700 रुपए में मिल जाएगा, देखने में भी बहुत सुंदर होगा, कलरफुल होगा। मगर जब आपकी सेफ्टी की बात आती है तो आपको थोड़ा पैसा वहां इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों की जो ठंड है वो किसी को बख्शती नहीं है। और एक बार मैं अपनी पिछली ट्रिप में, कुछ टाइम पहले की ट्रिप में मरते मरते बचा था, क्योंकि ये वीडियो देखिए। ये बाल्टी का पानी हमने आग बुझाने के लिए रखा हुआ है और ये पानी जमने लग गया है, यहाँ इतनी ठंड है। जैसे कि आपने इस वीडियो को देख लिया है, यहाँ पे पारा इतना नीचे चला गया और उस दिन इस वीडियो के बाद मैं कुछ शूट करने लायक रहा नहीं। अगले दिन सुबह जब मॉर्निंग हुई तभी लगा कि हाँ मैं अब बच गया हूँ, क्योंकि पहाड़ों की सर्दियां किसी को बख्शती नहीं है। ये टेंट वाटरप्रूफ है, मैंने आपको टेस्ट करके दिखा दिया है, और सदर बाजार में भी आपको ऐसे टेंट मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट भी 700-800 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस पर पानी डालोगे या बरसात में, वो नीचे से भी भीग जाएगा और ऊपर से भी भीग जाएगा। और अगर पहाड़ों में आपका कोई सामान भीग गया, वो भी स्लीपिंग बैग जैसी चीज और टेंट जैसी चीज, तो आपको बचाना मुश्किल ही है। इसलिए आप बाकी चीजों पे कम इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जो आपकी सेफ्टी है, जो आपको वार्म रखे, इन सब चीजों पे थोड़ा पैसा आप लगाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस प्रोडक्ट के बारे में, इसको खोल के भी दिखाता हूं उसको टेंट के साथ, क्योंकि ये दोनों कॉम्बो में थे, तो दोनों मैं इसके अंदर इसको दिखाऊंगा कि ये कैसे इसके अंदर आप लगता है देखने में। एक चीज और है इसके साथ, मैंने इसको भी परचेज किया है क्योंकि एक मैट की भी जरूरत होती है जो आपके स्लीपिंग बैग के नीचे रहता है। सो गाइस, इसको भी करेंगे, साथ में इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा मैं आपको। तो चलिए इसको अब खोलते हैं। तो गाइस, इसका जो कवर है वो थोड़ा रफ सा है, मुझे लग नहीं रहा कि ये वाटरप्रूफ है, तो पानी से आप जरूर बचा के रखिएगा। बाकी इसकी स्ट्रैप्स खोलते हैं। इसके दो कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, एक है ऑरेंज और एक है ये कलर। वो मैंने एक्चुअली ये और वो सेम कलर के थे, तो मैंने दोनों को साथ में ले लिया। अब जरा इसको निकालते हैं, थोड़ा जेंटली निकालिए, भले ही 5 साल की वारंटी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके साथ टॉर्चर कर लें। चीज आप ही की है, आप अपनी हर चीज का थोड़ा इस्तेमाल करते टाइम ध्यान रखें। ये इसका कवर, इसकी हाइट बिल्कुल कैंप की हाइट के बराबर ही है लगभग। अब आप ये टेंट मैंने इसीलिए बंद नहीं किया क्योंकि आपको पता चल जाए कि इसमें दोनों के अंदर रिलेशनशिप क्या है। ये टेंट और इसकी हाइट बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। और ये है इसकी जिप, पॉलिएस्टर का है, और ये 10 डिग्री तक आपको कोल्डनेस से बचाता है। इसके अंदर का मटेरियल जो है बहुत स्किन फ्रेंडली सा लग रहा है, काफी सॉफ्ट है और मोटा भी है, अच्छा है। और ये 10 डिग्री तक बचाता है, मगर जो शॉप है उन्होंने कहा था कि ये 5 डिग्री तक भी चला जाएगा और बचा लेगा आपको। मगर एक चीज बता देता हूं कि ये खुद गर्मी जनरेट नहीं करता, कोई भी स्लीपिंग बैग गर्मी जनरेट नहीं करता, वो आपकी बॉडी की जो गर्मी है उसी को मेंटेन करता है आपके स्लीपिंग बैग के अंदर।
तो कुछ गाइड्स होती है वो आप देख सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं वो गाइड्स भी डाल दूंगा कि आप स्लीपिंग बैग के अंदर ज्यादा से ज्यादा गर्म कैसे रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और एक चीज और, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और मैं वहां उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। अब इस स्लीपिंग बैग को मैं इस टेंट के अंदर डाल के देखता हूँ कि इसको कैसे आप इस्तेमाल करें, फिर मैं इसकी पैकिंग भी दिखाऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको लास्ट तक काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो गाइस जैसे मैंने बताया था कि मैं भी कैंप के अंदर हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये चीज यहाँ पे मैं बिछाने वाला हूँ। तो उससे पहले आपको बताया था कि ये भी कैचुआ कंपनी का ही है, इसकी कॉस्ट मुझे 500 रुपए पड़ी। ये मैट का काम करता है, आप योगा मैट भी यूज कर सकते हो लेकिन योगा मैट की मोटाई इतनी होनी चाहिए। एक्चुअली ये स्पेशली डिजाइन किया हुआ है इस चीज के लिए, तो आप यही परचेज कर लो तो ज्यादा बेटर है क्योंकि योगा मैट भी इतने की ही आती है। इसके स्ट्रैप्स मैं निकाल देता हूं और इसको कुछ इस तरीके से जहां पे आपको अपना स्लीपिंग बैग रखना है उसको आप लगा सकते हैं। और इसकी हाइट एक्चुअली क्या है, जब आप एक ही कंपनी की चीजें परचेज करते हैं ना तो आपको मेजरमेंट की दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये सब एक ही चीज पे ध्यान में रखे बनाया जाता है, ठीक है। ये आपका मैट लग गया, ये काफी मोटा है। अब इसके ऊपर आप अपना ये जो स्लीपिंग बैग है जिस तरफ आपको सर रखना है उसके हिसाब से आप इसको यहां डाल दीजिए, ऐसे हो गया और ये आपका स्लीपिंग बैग तैयार है। यहां पे मैं बैठ जाता हूं और यहाँ आपका सारा इस तरफ जो है आपका काफी स्पेस हो गया है और आप यहाँ पे अपना सारा सामान रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इनफैक्ट एक बंदा अगर 2% टेंट है तो आराम से एक स्लीपिंग बैग और रख सकता है अगर आपको सामान आपके पास कैरी नहीं करना है तो। अब मैं इसके अंदर एक बार लेता हूँ, वैसे गर्मी बहुत है। ओह ये कुछ इस तरीके से होगा, जब ये बंद हो जाएगा तब ये कुछ इस तरीके से होगा। काफी बढ़िया है, कंफर्टेबल है, स्पेशियस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस स्लीपिंग बैग को आपको जब आपको पैक करना हो तो पहले उसकी जिप बंद कर दें और जहां उसका एंड है वहां से इसको रोल करना स्टार्ट करें ताकि जो इसके अंदर की एयर होगी ना वो अपने आप ही बाहर निकल जाए, क्योंकि हमें जितना ज्यादा हो सकता है इसको उतना कॉम्पैक्ट करना है। तो इसको दबाए इसको रोल कर ले, उसके बाद इसका बैग ले। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है क्योंकि ये एक स्प्रिंग की तरह बाउंस होने के लिए तैयार है। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग माय लेग और सबसे बढ़िया चीज यही है क्योंकि आप तीसरा हाथ नहीं ला सकते। बिल्कुल लास्ट तक पहुंचाने से पुश करके उसके बाद जो उसकी ये स्ट्रैप है इसको टाइट कर दे, फिर एक नॉच। दैट्स इट, आपका स्लीपिंग बैग पैक है। तो गाइस जैसे आपने देखा कि मैंने तीनों चीजों के मैट, स्लीपिंग बैग और केचुआ का जो 2% टेंट है उसके जो रिव्यू था और अनबॉक्सिंग किया, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरी मेहनत को एक लाइक तो बनता ही है, और इस वीडियो को भी लाइक करिए, पिछली वीडियो जो पार्ट वन थी उसको भी प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं डालता रहूँ क्योंकि आगे सारी ट्रैवलिंग की वीडियो आने वाली है और इसी से रिलेटेड अनबॉक्सिंग आने वाले हैं क्योंकि एक कैंपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।